हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबील है। iOS 18 का बेटा 7, डेवलपर बेटा 7 एप्पल ने रिलीज कर दिया है और इसके पीछे जो चल रहा है वो है पब्लिक बेटा 5, वो भी आने वाला है, शायद आपको देखने मिल जाए आजकल के अंदर। लेकिन यहाँ पे इस वाले अपडेट के अंदर क्या कोई नया है, क्या खास है। iOS 18.0 का बेटा 7 है, 18.1 की सीरीज वो अपनी अलग चल रही है, उसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स आ रहे, तो इसमें क्या आ रहा है और यही अपडेट क्या आपको पहले देखने मिलने वाली है iOS 18.0 वाली आपके सभी के आईफोन्स पे, ये आइए चेकआउट करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अपडेट के साइज के बारे में। तो अपडेट का साइज थोड़ा सा बड़ा ही समझ लीजिए आप, ज्यादा बड़ा नहीं है, कम भी नहीं है, थोड़ा सा बड़े साइड पे ही है। 1.22 GB का आया था मेरे आईफोन 14 प्रो मैक्स के ऊपर। अपडेट करने से पहले iOS वर्जन था 18.0 और अपडेट के बाद भी वही रहने वाला, क्योंकि 18.0 की सीरीज चल रही है। बेटा 1, बेटा 2, बेटा 3, बेटा 4, बेटा 5, बेटा 6, बेटा 7, मतलब ये नहीं होता है कि 18.1, 18.2, 18.3 हो जाए। किसी ने Q&A में भी क्वेश्चन पूछा था, उनको भी मैं समझाना चाहता हूं फिर से। 18.0 ही रहेगा मेन iOS वर्जन, सिर्फ बेटा वर्जन जो है वो नए नए आते रहते हैं, जिसकी वजह से बिल्ड नंबर चेंज होता है। जब 18.1 आएगा वो अलग सीरीज हो जाएगी, वो एक अलग चल रहा है। 18.1 जो है दूसरे 15 प्रो मैक्स में डाल के रखा है। तो यहाँ पे ये मैं एक्सप्लेन आपको करना चाहता हूँ, हमेशा करता भी हूँ। अपडेट से पहले जो है 18.0 ही था। यहाँ पे कैपेसिटी जो है 1 TB का आईफोन है, अवेलेबल फ्री स्पेस थी 573 GB के आसपास। अपडेट से पहले बिल्ड नंबर जो है उसके एंड में B था। मैंने आपको बोला ही था कि एक और बेटा या दो बेटा आएंगे और उसके बाद आपको RC वर्जन देखने मिलेगा। तो अभी नया बिल्ड नंबर क्या है वो भी देखेंगे। और अपडेट से पहले जो मॉडेम फर्मवेयर था वो था 3.02.08। अपडेट के बाद 18.0 ही है जैसे मैंने आपको बोला था, लेकिन अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ गई है, 576.13 GB हो गई है। तो यहाँ पे 4 GB से अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ना, ये बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज है आप लोगों के लिए भी, ये काम की चीज है। क्योंकि iOS 18 आप करेंगे और आपको स्टोरेज कम पड़ेगी तो यहाँ पे आपको उससे दिक्कत आ सकती है। अपडेट के बाद जो नया बिल्ड नंबर हमको देखने मिल रहा है उसके एंड में आपको A देखने मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पे A आ चुका है, इसका मतलब है कि फाइनल स्टेबल वर्जन जो है iOS 18 का वो बहुत ही ज्यादा करीब है। हो सकता है एक और बेटा आए, बेटा 8 आए और उसके बाद हमको सीधा iOS 18 का RC वर्जन देखने मिले, जो कि फाइनल स्टेबल वर्जन ही होता है। डेवलपर्स के लिए RC आता है और रेगुलर जो यूजर्स है उनके लिए फाइनल स्टेबल वर्जन आता है, बट दोनों वर्जन एक्जैक्टली सेम होते हैं। तो हो सकता है एक या दो अपडेट और बाकी इसके अंदर है। अपडेट के बाद कोई नया मॉडेम फर्मवेयर आपको इस वाले अपडेट में, नए अपडेट में देखने नहीं मिल रहा है। इस वाले अपडेट में देखेंगे अब क्या कुछ नया है, क्या खास है, क्या चेंजेस आए। तो देखिए ये जो अपडेट है ये iOS 18 का ऑलमोस्ट फाइनल बेटा वर्जन ही समझ लीजिए, तो इसमें बहुत कुछ आपको नया देखने नहीं मिलने वाला। छोटे मोटे चेंजेस रहते हैं बस, उसके अलावा ज्यादा कुछ देखने मिलेगा क्योंकि रिफाइनमेंट्स पे ज्यादा यहाँ पे फोकस किया गया है इस वाले अपडेट के अंदर। और इसके पिछले अपडेट में भी एक चीज आपको मिसिंग देखने मिलेगी, यहाँ पे जो कॉलिंग का एक बटन आ रहा था कॉन्टेक्ट्स के साइड में वो देखने नहीं मिल रहा है, बस यहाँ पे आई बटन देखने मिल रहा है, फिर जिसके अंदर जाके आप वो कॉन्टेक्ट को कॉल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट को सर्च किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्च करूंगा तब यहाँ पे कॉलिंग वाला बटन आ रहा है, जिसमें मैं डायरेक्टली फेस टाइम कॉल लगा सकता हूँ, जो मैंने उनके साथ किया था मेरे डैड के साथ, या फिर कॉल लगा सकता हूँ। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे पहले पेज पे भी देखने मिल रहा था वो यहाँ से अब गायब है। तो ये चीज देखना होगा फाइनल वर्जन के अंदर आती है या नहीं आती है। फ्लैश स्क्रीन आपको कुछ देखने मिलेंगे जब ये वर्जन आप इंस्टॉल करेंगे। जैसे यहाँ पे पासवर्ड एप्लीकेशन मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे पासवर्ड एप्लीकेशन क्या काम करता है, उसके अंदर क्या कुछ नया है, उससे रिलेटेड फ्लैश स्क्रीन आपको देखने मिल रहा है। उसके बाद एप्पल पॉडकास्ट के अंदर भी मुझे नया फ्लैश स्क्रीन जो है देखने मिला है इस अपडेट के अंदर। एप्पल फिटनेस एप्लीकेशन जब मैंने पहली बार ओपन किया अपडेट करने के बाद, तब भी मुझे यहाँ पे ये नया स्प्लैश स्क्रीन देखने मिला है। इन स्प्लैश स्क्रीन के अलावा मुझे और कुछ यहाँ पे नया देखने नहीं मिला है। अगर आप आईफोन 15 प्रो या प्रो मैक्स यूज करते हैं जिनके अंदर एक्शन बटन है, तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के अंदर साउंड वाला जो टैब है इसके अंदर आपको म्यूट स्विच यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन देखने मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास 14 की सीरीज है या 15 के नॉन प्रो मॉडल्स है या उससे पुराने फोन है, उन पे आपको देखने नहीं मिलेगा वो बटन। iOS 18 बेटा 7 इसके अंदर क्या आपको एप्पल इंटेलिजेंस देखने मिल रहा है, तो बिल्कुल भी आपको एप्पल इंटेलिजेंस यहाँ पे देखने नहीं मिलने वाला। देखिए मैं अपना दूसरा फोन आपको दिखाता हूँ, ये मेरा iPhone 15 Pro Max है। इसके अंदर अगर हम सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं नीचे, तो आपको Apple Intelligence and Siri देखने मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ Siri देखने मिल रहा है। तो Apple Intelligence iOS 18.1 के लिए ही रहने वाला है। 18.0 अगर आपके पास है तो आपको Apple Intelligence देखने नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपके पास अगर 15 Pro और Pro Max नहीं है तो शायद आपको Apple Intelligence देखने नहीं मिले, और वो नहीं आता है तो फिर शायद नया Siri भी नहीं आएगा। Siri देखिए अभी इसमें जो है पुराना वाला ही चल रहा है, और यहाँ पे टाइप 2 Siri भी नहीं दिखा रहा है, जो टेक्स्ट का प्रूफ रीडिंग है वो भी नहीं कर सकते आप, और अभी फिलहाल कॉल रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते। तो आई जस्ट होप के वो सारे फीचर्स, एटलीस्ट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर, सभी पुराने आईफोन्स को जिन पे iOS 18 सपोर्टेड है उस पे भी आपको देखने मिले। बग फिक्सेस क्या कुछ किए हैं और यहाँ पे रिलीज नोट जो है वो चेकआउट करते हैं। अगर मल्टीलिंगुअल कीबोर्ड इस्तेमाल करते हो तो अब ये कीबोर्ड जो है प्रॉपर्ली काम करेगा, इसका जो बग था वो फिक्स किया एप्पल ने, और यहाँ पे दोनों लैंग्वेज को आप साथ साथ जो है टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको टैप करना होता है और दोनों लैंग्वेज आप एक साथ टाइप कर सकते हो, फिर ऑटो करेक्ट वगैरह वो नहीं करेगा वहाँ पे। क्लॉक फीचर का अगर आप इस्तेमाल करते हो, और अगर आप यहाँ पे जाते हो एडिट में, फिर जाते हो कस्टमाइज में, और यहाँ पे अगर आप टिंट का इस्तेमाल करते हो यहाँ पे इसको टिंट करने के लिए, तो यहाँ पे इसके जो कलर्स है वो आप प्रॉपर्ली काम भी कर रहे हैं और मैच भी कर रहे हैं दूसरे आइकन्स के कलर्स से। तो ये भी एक बग फिक्स यहाँ पे एप्पल ने किया, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम था। रिलीज नोट्स चेकआउट कर लेते हैं, तो यहाँ पे काफी सारे इश्यूज आप देख सकते हैं इस अपडेट में रिजोल्व किया एप्पल ने। तो यहाँ पे रिफाइनमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो है यूजर बैकग्राउंड साउंड्स प्ले नहीं कर पा रहे थे तो उसको फिक्स किया एप्पल ने। साउंड रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम थी उसको फिक्स किया, म्यूजिक हैप्टिक्स में प्रॉब्लम थी उसको फिक्स किया है। यहाँ पे एक्सेसरीज को रीनेम करने में प्रॉब्लम था उसको फिक्स किया गया है। वर्कआउट रिलेटेड
रिलेटेड प्रॉब्लम को भी फिक्स किया गया है। इस तरीके से काफी सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स आप देखेंगे कि एप्पल ने फिक्स किया है। अभी भी कुछ नोन इश्यूज आपको देखने मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए अभी भी नोन इशू है, ऐप आइकन इन कंट्रोल गैलरी ऑलवेज अपियर इन डार्क मोड, तो ये लाइट मोड पे भी आना चाहिए, ये अभी नोन इशू है, ये फिक्स अभी यहाँ पे किया नहीं। ऐसे काफी सारे नोन इशूज अभी भी है, लेकिन काफी सारे इशूज को इन्होंने रिजोल्व भी किया है, तो इसका भी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंस है और यहाँ पे धीरे धीरे फिक्स होते जा रहा है। अभी भी परफेक्ट नहीं है, बट जब तक iOS 18 का फाइनल वर्जन आएगा तब तक ये और रिफाइन हो जाएगा और थोड़ा परफेक्शन की तरफ जाएगा, लेकिन परफेक्ट 100% तो होगा नहीं। अब बात करते हैं स्टोरेज और नेटवर्क की। देखिए यहाँ पे मोडेम फर्मवेयर के अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो नेटवर्क के अंदर भी आपको कोई चेंजेस आइडियली देखने नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कुछ चेंज हो, कुछ अगर होगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो सेटिंग में चलते हैं, जनरल में, और फिर जाते हैं हम यहाँ पे आईफोन स्टोरेज में। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 4 GB से अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ गई है। सिस्टम डेटा इस वाले फोन का भी आप देख सकते हैं 1.07 GB पे आ चुका है, तो यहाँ पे ये अच्छी बात है कि फोन जो है अच्छे से ऑप्टिमाइज रखेंगे आप, तो ये कम रहता है, लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग चीज है। अगर 9-10 GB भी हो जाए तो डरने की कोई बात नहीं, आप 25 GB 50 GB हो जाए तो थोड़ा सा कंसर्न इसके बारे में हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाले अपडेट में कोई स्टोरेज बग तो नहीं है। ओवरऑल जनरल परफॉर्मेंस इस वाले अपडेट में मुझे अच्छा ही लगा, सब कुछ स्मूथ है, स्क्रोलिंग वगैरह में कोई लैग देखने यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हमारे गीक बेंच में क्या बेंचमार्क्स निकल के आया, क्या पहले के मुकाबले स्कोर कम है या ज्यादा है। तो पिछला स्कोर था यहाँ पे 2568-6498 सिंगल और मल्टी कोर का, और यहाँ पे 2563-6322 है, तो मल्टी कोर स्कोर में 150 पॉइंट्स की या 170 पॉइंट्स की आप कमी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मे बी एप्पल इसके अंदर थोड़ा सा जो सीपीयू का स्कोर है मल्टी कोर वाला वो कम कर रहा है, हालांकि पहले जितना कम था उससे तो बेहतर ही हो गया। ये मत देखना, यहाँ से देखना 6040 जो था, यहाँ से 14 प्रो मैक्स पे मैंने मेजर किया था और ये 17.5.1 था, उससे तो काफी बेहतर यहाँ पे हमको देखने मिला, लेकिन पिछले वाले से 150 पॉइंट कम है। वहीं पे जीपीयू का भी स्कोर देख लेते हैं, तो जीपीयू हिस्ट्री में चलते हैं और यहाँ पे पिछला स्कोर था 23860 और आज का है 23845, तो ये सेम ही है, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं रहेगा परफॉर्मेंस में, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये स्कोर देख के। बाकी जब फाइनल वर्जन आएगा उस टाइम पे भी हम चेक करेंगे और टैली करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों एप्पल इवेंट की और अपकमिंग अपडेट्स की। तो एप्पल इवेंट ये होने वाला है सितंबर में, मोस्ट प्रोबली सेकंड वीक में, ऐसा लग रहा है कि 9th या 10th को एप्पल इवेंट होगा, मोस्ट प्रोबली 10th को हो सकता है या हो सकता है कि 9th को हो। 9th-10th को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एप्पल इवेंट हो, जिसके अंदर नए आईफोन 16 सीरीज जो है वो एप्पल लॉन्च करने वाला है। तो अगर आप एक्साइटेड हो आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स के लिए, तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना, हमारे चैनल पे भी आपको वीडियो जरूर मिलेगी इंशाल्लाह उसकी, एप्पल इवेंट में क्या कुछ लॉन्च हुआ है फोन के अंदर, क्या कुछ नया, उसके बाद फिर फॉलो होंगे दूसरे वीडियोस और iOS 18 के वीडियोस भी। तो ये जो वीक रहेगा सितंबर का सेकंड वीक, ये काफी बिजी रहने वाला है, आप लोग भी थोड़ा टाइम निकालिए, मैं भी टाइम निकालता हूं और हम लोग काफी अच्छा कंटेंट बना के एंजॉय करने की कोशिश करेंगे साथ में, और जो भी डेवलपमेंट है उस पे भी नजर रखेंगे। रही बात अपकमिंग अपडेट्स की, तो आज है 21st ऑफ अगस्त, अभी इस वाले वीक में iOS 18.1 का जो नया बेटा वर्जन है वो एक्सपेक्टेड था लेकिन वो नहीं आया, तो वो जो है अगले वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त के लास्ट वीक में आपको iOS 18.1 का जो लेटेस्ट बेटा है वो देखने मिलेगा, अगला बेटा। और iOS 18.0 का बेटा 7 जो अभी आया है उसका जो बेटा 8 है वो आ सकता है नेक्स्ट वीक में, और जो RC वर्जन है वो सितंबर में आपको देखने मिलेगा, और जो फाइनल वर्जन है आप लोगों के सभी के आईफोन्स के लिए वो सितंबर के 3rd वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो iOS 18 का, जिसके बाद मैं बहुत सारे वीडियोस उसके ऊपर भी बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे जाना है स्टेबल पे, अगर आप बेटा वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हो, iOS 18.0 है तो कैसे जाना है, 18.1 है तो क्या करना है, वो सारी चीजें उस टाइम पे मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। iOS 18 बेटा 7, ये डेवलपर बेटा 7 या पब्लिक बेटा 5 दोनों सेम अपडेट रहने वाले हैं, इसको क्या आपको अपडेट करना चाहिए, अगर आप बेटा 6 पे हो, बेटा 3, बेटा 2, बेटा 1 किसी पे भी हो, iOS 18.0 आपने इंस्टॉल कर लिया है तो जरूर इसको जाइए आगे जाके इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि इसमें पहले के मुकाबले बग फिक्सेस काफी सारे किए हैं एप्पल ने, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करके अपडेट को रिफाइन करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप अभी 17 पे ही हो, iOS 17 किसी वर्जन पे हो, तो अभी अपडेट मत करना, क्योंकि एक महीना भी नहीं है जब आपको इसका स्टेबल वर्जन आपके फोन पे देखने मिलेगा, उसके बाद ही आप डायरेक्टली अपडेट कर लीजिए, ताकि छोटे मोटे बग्स कुछ होंगे वो भी आपको देखने ना मिले और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाए उससे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो iOS 18 बेटा 7 का पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।